अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइन। स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग कौफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मार्च में पाकिस्तान का सियासी माहौल भी खूब गर्म है। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पीपल्स पार्टी के एम पी ए रईस नबील अहमद ने मुलाकात की, जिसमें बाइमी दिलचस्पी के अमूर समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि रोज़ बरोज़ बदलती सियासी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि पाकिस्तान का सियासी माहौल इस वक्त खूब गर्म है, मार्च के महीने में मौसम भी गर्म हो गया है। रूस ने यूक्रेन के मगरबी शहर लोयो पर मिज़ाइल बरसा दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन के शहर लोयो में हथियारों की मरम्मत करने वाले एक प्लांट पर क्रूज़ मिज़ाइल फायर किए, जिसकी यूक्रेनी फ़ौज की जाने से भी तस्दीक की गई है। लोयो के मेयर का कहना है कि रूसी मिज़ाइल हमलों के नतीजे में प्लांट की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश और गर्म रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जजवी आबर आलूद और मौसम खुश्क रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि हवा में नमी का तनासब 35% तक रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमआर न्यूज़।